हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। अग्निवीर सेना भर्ती योजना से आक्रोशित युवा सड़कों पर हैं और कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई है। ये दोस्तों कहीं से भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए और इससे देश का ही नुकसान होगा जब इस तरह से संपत्तियों का नुकसान किया जाएगा। अग्निपथ योजना जिसके थ्रू अग्निवीरों की भर्ती होनी है, इससे युवा काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और देख सकते हैं कि ये ट्रेन धू धू करके जल रही है। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। देख पाएंगे यहाँ पर बताया गया कि केंद्र सरकार की नई योजना के खिलाफ 9 राज्यों में तोड़फोड़, बिहार में 6 ट्रेनों में आग लगा दी गई। अग्निपथ पर कई जगहों पर बवाल हो गया है और बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। अभी इस योजना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम छात्रों को है 4 साल की नौकरी। यहाँ पर देख सकते हैं युवाओं की आपत्तियाँ क्या हैं, तो भर्ती के 4 साल बाद वो आखिर क्या करेंगे। दूसरा यहाँ पर इशू है कि महज 6 माह की ट्रेनिंग से देश की सेवा वो कैसे करेंगे, कैसे देश को वो सुरक्षित रख पाएंगे। तीसरा है सेना में नौकरी पहले की तरह मिले, और चौथा है 2 साल से बंद पड़ी भर्तियों को शुरू किया जाए। ये वो 4 मांगे हैं जो छात्र, जो अभ्यर्थी हैं सेना भर्ती वाले, वो कर रहे हैं। वहीं पर सरकार पूरी कोशिश कर रही है युवाओं को समझाने के लिए कि ये योजना बहुत ज़्यादा बेहतर है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए लाई गई है। सरकार ने यहाँ पर कहा है कि अफवाहों से दूर रहें, योजना के कई सारे फायदे हैं। पहला यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि 4 साल तक कौशल के बाद 24 की उम्र तक कोई व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा बेहतर विकल्प होगा। और गृह मंत्रालय ने सेवा के बाद योग्य अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। साथ ही साथ 4 अग्निवीरों में से 1 अग्निवीर की नौकरी पक्की हो जाएगी, तो 25% को परमानेंट नौकरी दिया जाएगा, लेकिन उस 75% का क्या जिन्हें 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। अग्निवीरों को 21 से 24 साल की उम्र के बीच 12 लाख की जमा पूंजी मिलेगी। इस आयु वर्ग में कितने लोग इतना धन जोड़ पाते हैं, ऐसा सरकार ने कहा है। और यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और असम ने अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस एवं पुलिस के सहयोगी बलों में प्राथमिकता देने की बात कही है। और योगी सरकार ने भी ऐलान किया है कि वो यूपी पुलिस में अग्निवीरों को वरीयता देंगे। तो यहाँ पर CM योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। किसी के बहकावे में ना आए, अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। वहीं पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई सीधी भर्ती, ना 4 साल के बाद कोई स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए प्रधानमंत्री जी। तो सरकार कोशिश कर रही है युवाओं को समझाने के लिए, अग्निपथ योजना के फायदों को गिना रही है, वहीं पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और युवा तो आक्रोशित है ही। सरकार ने यहाँ पर ज़्यादा विरोध देखते हुए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। पहले ये 21 साल था, तो अब 17.5 साल से 23 साल के बीच का कोई भी युवा अग्निपथ योजना का हिस्सा बन सकता है। सरकार ने कहा कि कई देशों में छोटा सेवाकाल के लिए भर्तियां की जाती हैं। 2 साल सैन्य अधिकारियों से चर्चा कर इस योजना को लाया गया है और बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करने की भी कोशिश सरकार ने की है। यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। इस पर सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक हैं उन्हें वित्तीय पैकेज व बैंक से लोन दिया जाएगा। जो युवा आगे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उन्हें 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। जो जॉब करना चाहते हैं उन्हें केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों व राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। कई अन्य सेक्टर भी इन अग्निवीरों के लिए खोले जाएंगे। तो इस तरह से कोशिश की जा रही है युवाओं को समझाने के लिए, लेकिन युवा समझने को तैयार नहीं है। लगातार इस योजना के खिलाफ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी कर रहे हैं, 21,000 सैलरी पर आप जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एक मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के अपहरण में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब भरुआ बैठे हुए ऊपर, इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है।
मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का, जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है। और हम इस देश के हैं, अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है, मंजूर है, हम मरेंगे। इस योजना के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो भी योजनाएं, जो भी भर्तियां संविदा आधारित होती हैं, 4 साल, 5 साल या 1 साल का जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर जो अभ्यर्थी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होता है। चाहे हम बात करें शिक्षा मित्रों की, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने पद से हटा दिया था। साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालय, जो एडेड माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पदक शिक्षकों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि उन्हें अब पद पर नहीं रखा जा सकता है। तो इस तरह से अग्निवीर योजना के साथ आगे प्रॉब्लम हो सकती है। और छात्रों को यहाँ पर ये भी कन्फ्यूज़न है कि आखिर 4 साल के बाद ये क्या करेंगे, और यदि अग्निवीर योजना का विरोध नहीं हुआ तो आगे चलकर पुलिस वीर, शिक्षा वीर जैसे योजना भी आएंगे जो 3-4 साल के लिए रखे जाएंगे। देखना होगा सरकार इस योजना पर फाइनली क्या फैसला लेती है और आगे इसमें क्या होता है। जो भी जानकारी और अपडेट निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और जो नोटिसें हैं नई भर्तियों से संबंधित, वो टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।